एक तरफ तो जहां मोदी सरकार पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह कर रही है, तो वहीं इस अभियान को लेकर सवाल भी अब उठने लगे हैं। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल और कांग्रेस विधायक मुकेश पटेल का आरोप है कि नगर पालिका की तरफ से दिए जा रहे झंडे मापदंड में खरे नहीं उतरते। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा नगर पालिका के माध्यम से घर घर तिरंगे बंटवाए जा रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल और कांग्रेसी विधायक मुकेश पटेल ने आरोप लगाया है कि वह झंडे क्षत विक्षत अर्थात कटे फटे हैं और अशोक चक्र भी उसमें सही स्थान पर नहीं बना हुआ है। इस पर वे नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां उनसे चर्चा करने के लिए SDM लक्ष्मी गामण पहुंची, जिन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। बिल्कुल धूमधाम से मना रहे और तिरंगे को अपमान भी कर रहे हैं। अपन क्या कमी आप बताओ, आप क्या कमी है बताओ। नहीं, इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। राष्ट्रीय का संबंधित अधिकारी को सस्पेंड तत्काल किया जाए और इसका धारा वो सहेंगे नहीं सहेंगे। सवेरे मैंने आपको भी बोला था कि मेरे तिरंगे नहीं है। उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आज राष्ट्रीय अपना है। आज कई तिरंगे लोग शहीद हुए, लेकिन जो अधिकारी लोग इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप ही बताइए इसका क्या हिसाब, आप भी बताओ, देखो क्या है ये। छापे मारना है तुम व्हाट्सएप पर जाते हैं, सबको फोन आपके बंद आ रहा है। मैं ये क्या प्रशासन, एक अभी किसी का कुछ करना होता पूरी टीम चली जाती। वो दूध पार्लर पे जैसे कहीं चोरी करी वहाँ चले जाते, लेकिन ऐसे मामले में एक घंटा विलंब से पहुँचे SDM महोदय। मैडम अपमान के लिए लोग और क्या यात्रा करते, कितने कितने किलोमीटर। आज तिरंगा यात्रा का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। SDM की लाख मनाने के बाद भी तिरंगे झंडे के निर्माण में हुई लापरवाही पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल और कांग्रेसी विधायक मुकेश पटेल नहीं माने और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। विधायक मुकेश पटेल जी के घर पे 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज विधायक जी ने तिरंगा झंडा बुलवाया, जो कि शासन प्रशासन तिरंगे झंडे का एक राष्ट्रीय ध्वज का कलेक्टर से लेकर CO तक और नगरपालिका तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। तो आज अभी हम यहाँ नगरपालिका आए हैं और कलेक्टर महोदय को भी बताया, जिला पंचायत CO को भी बताया कि राष्ट्रीय ध्वज का पूरा अपमान है और ये TV के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो अशोक चक्र होना चाहिए बीच में होना चाहिए सेंटर, और ये पूरे फटे टूटे हैं, कभी कोई टेढ़े हैं, तो ये एक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। 75 वर्षीय हम धूमधाम से मना रहे, लेकिन कलेक्टर और जिला पंचायत CO फोन तक मतलब यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी को यहाँ पहुँचाने का काम ही नहीं किया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। और अभी हम थाने पे जाके इसकी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ हम FIR की मांग करेंगे। अगर नहीं होएगा तो इनका हम इसको डायरेक्ट हाईकोर्ट में, जो कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, इसके लिए हम बिल्कुल इसकी लड़ाई लड़ेंगे, जो कि आज हमारे देश का आन बान तिरंगा जो कि 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, लेकिन आज यहाँ अलीराजपुर ज़िले में कलेक्टर द्वारा पूरे जो कि घर घर तिरंगा बांटा गया पूरे फटे टूटे बटे गए हैं और अपमानित किया जा रहा है जो राष्ट्रीय ध्वज को, तो इसके खिलाफ FIR होना चाहिए, तत्काल जिम्मेदारी अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। देखिए, सवेरे मैंने एक दो दिन पहले मैंने CMO साहब को बोला कि मेरे को झंडे चाहिए, हमें झंडे लगाना है और ये अमृत उत्सव जो अभी शासन ने किया उसका
घर घर झंडे लगाना, तो मैंने सीएम साहब को फ़ोन लगाया। आज सवेरे उनके कर्मचारी आए और मुझे बोला कि साहब ने झंडे भेजे, तो मैंने झंडा देखा सबसे पहले, तो झंडा टूटा फूटा था और झंडा का सही नहीं था। और मैंने कर्मचारी को बोला कि पूरे झंडे फिर दिखा मेरे को, तो पूरे झंडे ऐसे निकले। आज प्रशासन अमृत उत्सव मनाने के लिए ज़ोर ज़ोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज जो झंडे का अपमान हो रहा है ये क्या है? जो अधिकारी खिलाफ FIR होना चाहिए। आज इस झंडे के लिए कई सेना के जवान शहीद हुए, स्वतंत्र सेनानी शहीद हुए। आज जो झंडा है वो भारत किसान है और आज ये अपमान हो रहा है, तो इसके इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज मैंने कलेक्टर साहब को बात की, CO मैडम की बात की, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, जबकि ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है। आगे कांग्रेस पार्टी और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर ये कार्रवाई नहीं करते दोषी अधिकारी खिलाफ, तो हम इसके उग्र आंदोलन करेंगे कल, और अभी हम थाने पे जाएंगे, FIR करवाएंगे। कांग्रेस नेताओं से पुलिस ने भी चर्चा की, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सखाराम सेंगर ने बताया कि सूचना के आधार पर वे धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां कार्रवाई को लेकर उन्हें कांग्रेसी विधायक मुकेश पटेल और कांग्रेस नेता महेश पटेल ने कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया। ये तिरंगा झंडा मापदंड के अनुसार नहीं बना था, तो स्थानीय विधायक अपने समर्थकों के साथ नगर पालिका में आए थे, यहाँ पे कुछ समय के लिए धरना दिया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आप भी चर्चा करो, तो मैं उनसे चर्चा की, उन्होंने ज्ञापन दिया है और कल वो कलेक्टर साहब से मिलने का वो बोल के गए हैं यहाँ से, जो भी उनकी जो परेशानी है कल चर्चा करेंगे। आज आदिवासी दिवस है, सभी को शुभकामनाएं आपकी तरफ, मेरी तरफ से। सर, ये कांग्रेस ने कल नगर बंद का आह्वान किया है, क्या कहेंगे? नहीं, चर्चा करेंगे हम शाम को, अभी और बैठ के बात कर लेंगे, आदिवासी जुलूस समाप्त होने के बाद में निर्णय लेंगे, मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी संबंध में। वही मामले में नगर पालिका CMO अमर दास सेनानी का कहना है कि जिस झंडे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, उनकी छटनी नहीं हो पाई थी। आजादी के अमृत उत्सव के तहत तिरंगा विक्रय केंद्र नगर पालिका अलीराजपुर में स्थापित किया गया है, जिसे डोर टू डोर हमारे वार्ड प्रभारी तिरंगे का विक्रय कर रहे हैं। कल आज जो सुबह जो घटनाक्रम घटा, वो विधायक जी का कॉल आया था कि हमें 50 तिरंगे चाहिए। वार्ड प्रभारी द्वारा झंडे लेके वहाँ गए, लेकिन ये जो झंडे थे त्रुटिपूर्ण कुछ निकल गए, वो विक्रय केंद्र पे छटनी नहीं हो पाए, क्योंकि इनकी प्राप्ति कल शाम को ही हो पाई थी और जल्दबाजी में वहाँ पहुँच गए। अन्यथा हमारे विक्रय केंद्र पे अभी तक जितने भी 3,000 झंडे विक्रय किए गए, उन सबकी छटनी करके ही विक्रय की गई, और छटनी करके विक्रय केंद्र पे ही रखी गई जो डिफेक्टेड है। प्रशासन लाख दावे करे कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन राष्ट्र सम्मान से जुड़े मुद्दे पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, ये सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, अलीराजपुर।